इनकी कितनी बड़ी टीम ने कितने बड़े सैंपल लिए, मानो उन्होंने 500 सैंपल के बेसिस पूरे नहीं, लेकिन बीजेपी को लेकर एक चीज है ना कि 100 प्लस ही बता रही है ये तीनों ही एजेंसीज जो हैं, पोल इंक्लूडिंग पोल स्टेट 100 प्लस ही बता रही है, अब बता रही है, लेकिन 20 सीटों का फर्क आ रहा है ना यहाँ। आप 100 से 100 कांग्रेस को ज्यादा बता दिया, अन्य को कम कर दिया। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी भी मार्जिन है, यानी 20 सीटों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। इसका मतलब है जो जो नई नई एजेंसीज आती हैं वो कुछ ना कुछ अपने आप को दूसरे लोगों के बराबर ले आती हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है अगर हमने बहुत अच्छे से हार्ड वर्क किया, हमने सीट वाइज एक एक सीट में 5-5 जगह 10-10 जगह सैंपलिंग ली है, तो हमें अपने पोल्स पर ज्यादा भरोसा करना होगा। ठीक है, हमारे साथ दो पैनल नया जुड़ चुका है नए मेहमानों के साथ, चूंकि हमने पहले ही वादा किया था लगातार 9 बजे सबसे सटीक तरीके से सबसे तेजी के साथ बड़े पैनल और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपको तमाम पोल ऑफ पोल्स महा एग्जिट पोल दिखाएंगे। अपूर्वा सिंह हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं जयपुर स्टूडियो, बहुत बहुत स्वागत है अपूर्वा जी। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। अपूर्वा जी, तीन एग्जिट पोल अभी तक आए हैं एजेंसीज के, और तीनों में ही बीजेपी 100 के पार। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद भाजपा को प्रदान किया है, जो अभी भी मतपेटियों के अंदर पैक है और 3 तारीख को खुलेगा, और जिसकी खुशबू जो है वो आज आपके चैनल के थ्रू हमको सुनने को मिली है। मन में विश्वास था, प्रबल विश्वास था, और जो विश्वास है वो आज मुझे लगता है कि परिलक्षित हो रहा है रिजल्ट्स के माध्यम से, जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं उनको देखने से लग रहा है। सुमन जी बोल के गई थी कि 135 का आंकड़ा पार बीजेपी करेगी, अभी राजेंद्र राठौर जी भी कह रहे थे 135 प्लस ही होगा, और बीजेपी के कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे थे 156 प्लस आंकड़ा आएगा सामने रिजल्ट के तौर पर। देखिए, ये सब ख्याली पुलाव है। मैं अपनी बात यही कहना चाह रही थी कि जब भारत आजाद हुआ था तो लोग कांग्रेस को समझा करते थे, मगर आज इतने वर्षों के शासन के बाद में और राजस्थान में 5 साल के शासन के अंदर लोगों ने कांग्रेस का कुशासन बोलना शुरू कर दिया। आप सोचिए, इनकी जितनी मैं पिछले इतने वर्षों से जो मैं डिबेट कर रही थी, मैं इनकी सुनती थी कि साहब हम ये स्कीम ले आए, ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, कहाँ गया इनका वो विकास वाला मॉडल। आप सोचिए, ये इतनी दुहाई दिया करते थे कि हमने जनता के लिए इतना काम किया है, इतनी दुहाइयों के बाद में भी अगर एग्जिट पोल एक भी इनके फेवर में नहीं जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि पराकाष्ठा रहा है कुशासन। राजकुमार शर्मा जी, पराकाष्ठा, 3 एजेंसीज के एग्जिट पोल हमने अब तक दिखाए हैं, तीनों में कांग्रेस हार रही है, क्या कहेंगे इस पर? अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो वजह क्या मानेंगे आप इसके पीछे? देखिए प्रियंका जी, हमको संतुष्टि इस बात से है कि राजस्थान की हमने पिछले 5 साल में बहुत शानदार सेवा की है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रही फिर भी हमने बहुत बेहतर सेवा की, और जनता को हम माई बाप मान के हमने सेवा की है, गरीब को हमने गणेश माना है। जो भी जनता आशीर्वाद देगी उसको हम सर पे बिठाएंगे, और अभी जो एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं निश्चित तौर पर थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन अब जब ये परिणामों में 3 तारीख को तब्दील होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी पुनः सरकार बनाती हुई आपके चैनल पर नजर आएगी, इस बात का मुझे और कांग्रेस पार्टी को भरोसा है। राजकुमार जी, मनीष जी पूछ रहे हैं कि तीनों सर्वे को फेल कर दिया, तीनों जो एग्जिट पोल हमने दिखाया अलग अलग एजेंसीज के, सब गलत है। नहीं सर्वे को फेल नहीं किया है, सर्वे को फेल करने की जिम्मेदारी राजस्थान की जनता की है, राजस्थान की जनता को हमने माई बाप मान के सेवा की, राजस्थान की जनता तो कल तक और आज अभी तक भी जोर जोर से नारे लगा रही है, 4थी बार गहलोत सरकार, रिवाज बदलेंगे राज नहीं बदलेंगे, तो ये आपके चैनल के सर्वे हो सकते हैं, अन्य एजेंसियों के चलवे के सर्वे जी, आपने भी सुने नारे सरकार, जो वोटिंग आई है वो भी तो राजस्थान की जनता ने की है, जो सर्वे दिया है वो भी राजस्थान की जनता ने दिया है। अगर एक एक कंपनी के चार चार हर एक मोहल्ले में लोग पहुंच रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो वो रिपोर्टिंग कौन दे रहा है? जनता ही तो दे रही है, और इनके पास कोई अपना कोई इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेल चैट जीपीटी थोड़ी ले रहे हैं डेटा, इन्होंने गली गली जाके जनता से पूछा है, आशीर्वाद दिया, जनता ही 3 तारीख को पेटियां खुलेगी, जब हमारी पेटियां खुलेगी तो पता चलेगा, निश्चित तौर पर परिणाम कुछ और होंगे, कांग्रेस पार्टी को इस बात का भरोसा है। आपके पास ऐसा असेसमेंट है, कोई ऐसा लॉजिक है, कोई ऐसा कारण है कि जनता हमें इस वजह से वोट देगी? क्या भ्रष्टाचार की वजह से वोट देगी? विकास, महिला सुरक्षा पर विकास, विकास के नाम पर विकास। राजकुमार जी देखिए, चूंकि हम मुख्य तौर पर राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी अगर मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ के जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई, माफ कीजिए, कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर ऐसा क्या हो गया इन एजेंसीज को कि वहां कांग्रेस को आगे बढ़ा रही है और फिर यहां पे पीछे कर रही है?
मुझे पूरा यकीन है कि पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल और कर्नाटक की तरह सुपड़ा साफ होने वाला है। निश्चित तौर पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको, 3 तारीख को जो ये एग्जिट पोल परिणामों में तब्दील होंगे तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होंगे। निरंजन जी आपकी वही बात हो गई, क्या बोले थे आप, मीठा मीठा खारा खारा थूथूर मीठा मीठा गप गप। राजकुमार जी एक चीज और पूछनी थी आपसे कि ये जो एग्जिट पोल जितने भी हैं ये सारे के सारे जनता से पूछ करके जनता का सैंपल उठा करके किया हुआ है, और आप कह रहे हो कि जो जनता नारा लगा रही है तो वो जो जनता जिस जो जनता आपके फेवर में नारा लगाती हुई आ रही है वही तो जनता इन टेलीविजन चैनलों के सैंपल सर्वे के अंदर वही तो जनता होगी, या ये जनता कहीं विदेश से आई है? मैं आपके सैंपल सर्वे को गलत नहीं बता रहा, लेकिन हमने जो 5 साल सेवा किए हमको भी विश्वास है, हमको भी विश्वास है, और हमारा विश्वास गलत नहीं है। देखिए हमारे ट्रैक से अलग हटके बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया है। नहीं नहीं 5 साल देखिए ऐसा है, इस चीज को तो सब जानते हैं कि सेवा जो है वो मात्र 1 साल हुई है, क्योंकि इसको 1 साल की सरकार बोला जा रहा है। जो अशोक गहलोत जी की सरकार है इसको 4 साल तो ये होटलों की सरकार और रिजोर्ट की सरकार मानी गई है, इसको 1 साल की सरकार बोला गया है, तो कहीं ऐसी जिम्मेदारी तो भी भारतीय जनता पार्टी के पूरा देश जानता है, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें गिराने का नहीं, कैसा लेकिन, प्रयास राजस्थान लेकिन मामला तो आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में था ना। सरकार गिराने के बाद कांग्रेस ना ही करे तो अच्छा है, और फिर भी हमने होटल करे राजस्थान की बेहतर सेवा देखा ही रहा है। राजस्थान राजकुमार जी इस बार तो टिकाऊ उम्मीदवार लेकर आए हैं ना, पॉलिटिकल कोरोना आया, इन दोनों के अंदर हमने सेवा की। राजकुमार जी इस बार टिकाऊ उम्मीदवार है ना, उम्मीदवार हमारे कांग्रेस पार्टी के पहले भी टिकाऊ थे, आज भी टिकाऊ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, एक भी एमएलए हमारा टूट के उनके पास नहीं गया। अच्छा शपथ भी दिलाई जा रही है, पता चला है जो प्रत्याशी थे, शपथ भी दिलाई गई है नतीजे आने से पहले। उनके डीएनए में है शपथ, तो उनके डीएनए में है शपथ, उनके डीएनए में है, कांग्रेस पार्टी का खून उनके उनके रगों में है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता होगा, पूरी दुनिया ने देखा था कितना बड़ा प्रयास किया था, लेकिन राजस्थान में जाकर के आगे अभी भाजपा खरीद लेती है, अभी कहते हैं हमारे कांग्रेस के नेता बिकते नहीं है। अरे भाई तय कर लो पहले अंदर जाके कौन है बैठ, हमारे राजस्थान के नहीं गए, इसीलिए तो इस बार अरे राजस्थान में कांग्रेस की बात कर रहा हूं, एक भी विधायक राजस्थान कर लो बिकते करें भाजपा पार्टी के विकास में नहीं है तो भाजपा पर आरोप लगाना बंद करो, ने पूरी कोशिश की बिकते तो अपने लोगों को उच्च लेवल की हमारी मेहमान नवाजी की, आप तय कर लो, लेकिन एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आया। कांग्रेस पार्टी ने के राजस्थान ने एक ऐसा नायाब नमूना रखा है, आप सोचिए किसी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा हो उसी व्यक्ति ने आला कमान के साथ में बगावत कर दी हो, ऐसा नायाब नमूना मुझे इतिहास में ना तो कभी देखने को मिला ना कभी मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद में ये कहते हैं कि शपथ तो हमारे डीएनए में है, इनके विधायक अपने मुख्यमंत्री से दुखी होकर, इनके डिप्टी सीएम अपने मुख्यमंत्री से दुखी होकर जाके मानेसर में कैंप लगाकर बैठ गए, और उसके लिए जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी। ये विकास नहीं दे पाए, ये सुशासन नहीं दे पाए, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए, ये एग्जिट पोल ऐसा क्यों आ रहा है मैं बताऊं आपको, क्योंकि जितने नव मतदाता है उन्होंने देखा है न्यू वोटर्स का जो टर्नआउट हुआ है वो बीजेपी की तरफ हुआ है, वुमेन वोटर का जो टर्नआउट हुआ है वो बीजेपी की तरफ हुआ है, यूथ वोटर्स का जो टर्नआउट हुआ है वो बीजेपी की तरफ हुआ है, फार्मर्स वोटर्स का जो टर्नआउट हुआ है वो 19,422 जमीनें जो नीलाम हुई, 350 से ज्यादा जो किसान है उन्होंने आत्महत्या की उनका टर्नआउट हुआ है तो हमारी तरफ हुआ है, दलितों का वोटर अगर टर्नआउट हुआ है तो बीजेपी की तरफ हुआ है, क्योंकि दलित अत्याचार जिस तरीके से पिछले 5 साल में राजस्थान के अंदर व्याप्त रहा वैसा कभी नहीं हुआ। अरे दलितों को हमारे समर्थन की जरूरत है, दलितों को हमारे सहयोग की जरूरत है, हमारे शक्ति और हमारे आश्वासन की जरूरत है, मगर इन लोगों ने क्या किया, उन पे भी अत्याचार में कोई कमी नहीं छूटी। पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ होगा कि संतों को आत्मदाह करना पड़ा हो इस प्रकृति को बचाने के लिए, राज्य सरकार तो सामने नहीं आई पर जो संत सामने आए उनको भी आत्मदाह करना पड़ा हो, और ये लोग मूक बधिर सरकार बनकर के उसको देखते रह गए, जनता ने उसका जवाब दिया है। और मैं ये कहती हूँ कि जनता अगर अपनी अपेक्षाओं के ऊपर अगर आप खरे न उतरे ना तो जनता फिर भी माफ कर देती है, पर अगर आपने जनता के साथ में कुछ अनपेक्षित कर दिया तो जनता कभी माफ नहीं करती। कांग्रेस उसी एक चीज लेकिन साफ का जो है वो आज आलोक जी एक चीज लेकिन साफ है, एग्जिट पोल के बाद जब नतीजे आएंगे वो किसके पक्ष में जाते हैं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए चाहे कांग्रेस या बीजेपी, असली परीक्षा की घड़ी तो फिर नतीजे आने के बाद शुरू होगी। इसमें क्या शक है,
अभी तक जो कुछ भी कर रहे हैं हम लोग आकलन कर रहे हैं, एक गेसवर्क है, एक हमारे द्वारा किया गया, आपके द्वारा किया गया सर्वे के आधार पर कोई प्रेडिक्शन है, बट एक्चुअल तो उस मतपेटी के अंदर बंद है, वहां से कौन सा जिन निकलेगा? समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि निरंजन जी समझ गए, निरंजन जी जरा समझाइए और फिर बताइए, आप जरा मुझे बताइए क्या। मैं ये कह रहा हूँ कि जब नतीजे आ जाएंगे असली कवायद तो फिर दोनों ही पार्टियों की तब शुरू होगी, सीएम कौन, कुर्सी कौन संभालेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है जिसकी प्रबल संभावना है, तो इसका मतलब राजस्थान की जनता ने नरेंद्र मोदी के अंदर अटूट विश्वास प्रकट किया है, क्योंकि अकेले वो इस पूरे मुहिम को स्पीयर हेड कर रहे थे, ठीक है उनके साथ में जो हमारे अन्य नेता थे वो भी लगे हुए थे, लेकिन इसके प्रणेता माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है जिसकी संभावना नहीं, नरेंद्र मोदी थोड़ी आएंगे पीएम का पद छोड़ के, नहीं वो तो तय हमारे यहाँ, वो यहाँ तय हो जाएगा, वो सीएलपी में तय हो जाएगा आराम से, ये सब चीजें हमारे यहाँ ज्यादा मायने नहीं रखती है तय होने के लिए। निरंजन जी कह रहे हैं कि बीजेपी में दिक्कत हो, उसमें देखिए कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा है वो अगर मान के चलेंगे तो राजस्थान कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, ये अशोक गहलोत कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, क्योंकि क्योंकि आला कमान वहां पे कांग्रेस का आला कमान सक्रिय था। एक मिनट अलोक जी, कांग्रेस का आला कमान वहां पे कहीं पे भी प्रभावी नजर नहीं आया, जब से 5 सितंबर की मैं बात करूं उसके बाद से केवल और केवल वहां पे अशोक गहलोत की कांग्रेस चल रही थी, और जिस तरीके से वो लड़ झगड़ करके दो अनुशासनहीन विधायकों की भी टिकट लेकर के आ गए, तो इससे ये चीज साबित हो गई कि कहीं ना कहीं आला कमान के ऊपर अशोक गहलोत जी भारी पड़ते हैं। और जिस तरीके से अभी एन चुनाव के समय पे भी इनके बयान आ रहे थे, की जरूरत नहीं है, जिस समय वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे उसी समय उन्होंने बता दिया था मैं क्या चीज हूँ। नहीं मैं मनीष जी मैं आगे की बात पूछ रहा हूँ, आगे क्या हो सकता है, कितनी मुश्किल हो सकती है अगर इन एग्जिट पोल के नतीजे कन्वर्ट होते हैं, और फिर उसके बाद बीजेपी को कितनी कवायद करनी पड़ सकती है, कितनी मुश्किल होगी, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो आला कमान की तरफ से पार्लियामेंट्री बोर्ड के नाम पर कहा जाएगा होगा वही, और फिर बहुत ज्यादा नाराजगी या फिर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगी बीजेपी में, कुछ नहीं होगा, ये सब अगर होने वाला भी होगा तो कांग्रेस में होगा, बीजेपी में कुछ नहीं होगा, एक घंटे के अंदर सब तय हो जाएगा। मनीष जी ये भी बताइएगा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है जैसा कि एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, तो चुनौती तो होगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इन आंकड़ों पर अगर नजर डाले तो सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं आप, क्योंकि ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से की गई वोटों की, या फिर कई और मुद्दे उठाए गए, कौन सा वो बड़ा मुद्दा जिन्हें लेकर ये आंकड़े पेश किए गए? देखिए मैंने जैसा पहला बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था, जनता को लगता है अगर भ्रष्टाचार अगर राज्य में कम होगा तो ओवरऑल लाइफ बेटर होगी, और एक बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का रहा ही है। तीसरा बड़ा फैक्टर जिसको हम अंडर स्टीमेट कर रहे हैं, जो अंडर करंट है वो है सचिन पायलट। देखिए सचिन पायलट के लिए जिस तरीके से आला कमान से अशोक गहलोत लड़ गए, उन्होंने जो कांग्रेस अध्यक्ष का पद तक छोड़ दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे राजस्थान मुख्यमंत्री बने रहना है, कहीं ना कहीं जनता को ये लगा, स्पेशली जो सचिन पायलट की जो जाति है वो गुर्जर समाज है, उनको लगा कि गुज्जर समाज को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलेगा, तो जो गुज्जर समाज का जो टर्न अराउंड हुआ है उसने मेजर चेंज क्रिएट किया है यहाँ पे। उस टर्न अराउंड में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान जिसपे राजेश पायलट का जिक्र किया गया उसका कितना योगदान, कितना कैटलिस्ट के तौर पर यूज, बिल्कुल मोदी जी नब्ज को, समय की नब्ज को पहचानते, उन्हें लगा कि गुज्जर समाज अभी पशु पेश में समझ नहीं पा रहा क्या करे, सचिन पायलट मजबूरी में है या दृढ़ निश्चय से कांग्रेस के साथ है, तो ऐसे में उन्होंने फुल टॉस पर सिक्स मारने की कोशिश की, उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की अगर गुज्जर समाज भाजपा के साथ आता है तो उसे पूरा सम्मान मिलेगा। और मैं समझता हूं ये खुला इनविटेशन सचिन पायलट के लिए भी है कि इवन इफ बीजेपी सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी पा लेती है और अगर सचिन पायलट राजस्थान में स्विच ओवर करना चाहेंगे तो उनको सम्माननीय स्थान मिलेगा। ये वो फैक्टर है जो वसुंधरा राजे की जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाली जो अहमियत वाली, कहां सम्माननीय स्थान मिलेगा, क्या क्या बोल रहे हैं आप? मेरा कहना ये है इवन इफ की बीजेपी मेजोरिटी में आ जाती है और सचिन पायलट अगर स्विच करके कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे तो उनको भारतीय जनता पार्टी लग रहा है क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा और पोजीशन मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जाम्पल होगा ना उनके सामने? देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो लेवल आज बीजेपी में है वो कांग्रेस के लेवल से कहीं ज्यादा है, उनके 9 से अधिक नजदीकी लोगों को केंद्र में सेटल किया गया है, वो और वो मोदी के बेहद नजदीकी बन गए हैं, कम उम्र होने के साथ उनके पास समय है, इसलिए मोदी जी अनुराग ठाकुर और सिंधिया जैसे लोगों को आगे ला रहे हैं जिस तरीके से वो उड्डयन मंत्री हैं, मुझे लगता है
अच्छा एक मिनट, मैं जरा फुल फ्रेम पे इधर संजय जी का रुख करूंगा क्योंकि काफी देर से उनका हमने रुख नहीं किया है। एक बार संजय जी का ऑडियो दीजिएगा, वहां विधानसभा के सामने मौजूद हैं। संजय जी, क्या वाकई अगर हम ये कहें कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सचिन पायलट का था, और इन एग्जिट पोल को देखें और जो नतीजों को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी की आती हुई दिखाई दे रही है, इसका बड़ा फैक्टर भी सचिन पायलट गुर्जर वोटर ही दिखाई दे रहे हैं? संजय जी, ये देखिए, ये पता एग्जैक्टली तब लगेगा जब ईस्टर्न राजस्थान के रिजल्ट अगर हमारे सामने आते हैं। तो सचिन पायलट का जो गुर्जर बाहुल इलाकों में काफ़ी असर है, और ऐसी नाराज़ी ग्राउंड पे देखी भी गई थी गुर्जरों में कि हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं, सर्वप्रिय नेता हैं, उनको कांग्रेस ने वो स्थान नहीं दिया जिसको वो डिज़र्व करते थे। लेकिन आप देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जब आपको एंटी इनकम्बेंसी को भी समझना पड़ेगा। सचिन पायलट के अलावा एक फैक्टर ये भी होता है कि एंटी इनकम्बेंसी में जो वर्ग कुछ उम्मीद कर रहा था इस जो पिछली सरकार आई जो 18 वाली, उस वर्ग को वो उसकी अपेक्षाओं पे खरी ना उतरी हो। जैसे कि आप देखिए कि बीजेपी सफल रही ये आरोप लगा के ये लोगों में पहुँचाने में कि महिलाएँ सुरक्षित नहीं रहीं, ये आरोप और सर्वेज में भी कुछ कुछ ग्राउंड पर पता लगने लगा, और जैसे पेपर लीक की बात है, तो ये सारे मुद्दे मिला के, प्लस एक और बात हमें समझनी होगी कि जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के विवाद थे, उसी तरह बीजेपी के अंदर भी वसुंधरा राजे और लोगों की